हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है एक्चुअली में फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मिरर है। ओके, मिरर, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी डिस्टेंस डी पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी डिस्टेंस डी पे। ठीक, तो इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी। ओके, मैं क्या मान लेता हूं, एक ही रेज, इससे दो रेज मान लेता हूं। ओके, इससे हम लोग दो रेज निकालते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रेज तो निकलेगी, और वो दोनों रेज को क्या करते हैं, यहां इसके एंड से हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक है, इसका इमेज तो आपको पता है कि अगर ये डी डिस्टेंस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी डी डिस्टेंस पे बनेगा यहाँ पे इमेज। ठीक है, इमेज बन गया, इससे इनफाइनाइट रेज निकलेगी, प्लेन से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी, वो टेंडिंग टू मीट दैट इमेज पॉइंट। हम लोग दो रेज निकालते हैं, एक रेज माना कि इस एंड से टकराया और कैसे गया, इससे जो लाइट आएगी ऐसे चली गई। ओके, ऐसे आई और ऐसे चली गई। ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, ये कहां से मीट कर रही है, इमेज पे आकर। फिर एक दूसरा लाइन भी लाते हैं। ठीक, दूसरा लाइन इस एंड पे कनेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं, ये भी क्या करेगा, यहीं से मीट करते हुए तो ऐसे आया और ऐसे चली। ठीक, तो ये दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन कहीं से भी कहीं घूमेगा, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में कहीं भी आदमी ट्रेवल करे, कोई भी मैन या ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट के लिए तो यहीं पे सिर्फ दिखाई देगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन कोई दूसरा अगर चाहे देखने को तो इस रेंज में पूरा घूमेगा तो क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो व्यू जहां से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ऑब्जेक्ट का इमेज हमें दिख सके। ठीक, तो वो हमारा व्यू को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होता, ये मिरर हो गया। ओके, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है वो, तो इस मिरर को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे यहां से डी डिस्टेंस, तो इमेज भी कहां बनेगा, डी डिस्टेंस पे ही इधर बनेगा। ओके, ये तो समझ में आ रहा है कि डी डिस्टेंस पे बनेगा। अब क्या करते हैं, इससे भी दो रेज लेते हैं, रेज तो इनफाइनाइट निकलेंगी, दो रेज लेते हैं, इसके एक बॉटम मोस्ट पॉइंट से रिफ्लेक्ट कराते हैं और एक टॉप मोस्ट पॉइंट से, सॉरी, तो इसमें क्या हो गया, एक बॉटम मोस्ट से रिफ्लेक्ट कराया, एक टॉप मोस्ट से रिफ्लेक्ट कराया, तो इस बीच में हमें क्या, कोई भी ऑब्जर्वर अगर इस बीच में मूव करे तो हमें क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट जहां पे है इसके वजह से इमेज यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इमेज तो बनेगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट खुद नहीं देख सकता अपना इमेज, कोई दूसरा देख सकता है जो इसके बीच में, इस रेंज के बीच में घूमेगा, मीन्स ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का रिफ्लेक्शन लाइट का के रेंज में अगर घूमेगा तो दिखाई देगा, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो व्यू, मीन्स वो फील्ड जहां से व्यू किया जा सके ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब देखा जा सके। ठीक, तो इससे बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इस पे बेस्ड वो न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फिगर फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखना है, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर ये है, ये क्या कर रहा है, इस पाथ पे इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है, ये पूरा पाथ है, इस पे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो इस पे कहां से कहां तक मूव करेगा, मीन्स कितने डिस्टेंस में दिखाई देगा, इतना डिस्टेंस होगा कि कितना डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितने डिस्टेंस में मूव करेगा तो इमेज देख पाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले फील्ड ऑफ व्यू हमें देखना पड़ेगा, मेनली आपसे पूछा किया जा रहा है वही फील्ड ऑफ व्यू। इस केस में क्वेश्चन घुमाकर क्या पूछ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू इसका कितना होगा, तो वही आपको निकालना होगा, फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे, अब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तब निकालते हैं, ये मैंने रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके, इसका
तो हमें क्या चीज निकालना है, यही हमारा डी जो डिस्टेंस है वही फील्ड ऑफ व्यू है, तो यही डी डिस्टेंस हमें निकालना है। इसी के बीच में क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा इस लाइन पे तो हमें क्या ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा, अदरवाइज बाकी किसी भी डिस्टेंस पे वो नहीं देख पाएगा। ये एक्स हुआ या डी से बाहर का उस साइड देखें तो हमें नहीं दिखाई देगा, नहीं देख पाएगा कहीं से भी, और इसके सी से नीचे साइड में कहीं भी नहीं देख पाएगा। तो अब वही डी डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अब ट्रायंगल लॉ ज्योमेट्री लगाएंगे। तो ज्योमेट्री कैसे लगाएंगे, बाई सिमिलर ट्रायंगल से। अब बाई सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में देखते हैं, ए डी आई ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ए डी आई। अब देखो यहां पे ए है, डी है और आई, ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल बी सी आई के, ट्रायंगल बी सी आई के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स बाई दिस, इसका एडी का डिस्टेंस कितना है, अब बड़े वाले में अगर देखें तो एक्स, छोटे वाले में देखें तो वन, एडी का डिस्टेंस कितना है, वन मीटर, मीन्स वन मीटर अबव द ग्राउंड है, मिरर कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, वन मीटर अबव पे, तो वन है। इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस देखते हैं, ये कितना डिस्टेंस है टोटल बी से आई के बीच में, टू टू टू, मीन्स सिक्स मीटर, सिक्स बाई ए आई कितना है, टू, दैट मीन्स यहां से क्या निकल गया, एक्स इक्वल टू थ्री मीटर। ठीक, तो अभी तो एक्स निकला, हमें तो चाहिए डी, तो हमें अगर वाई मिल जाए तो वाई माइनस एक्स कर देंगे डी मिल जाएगा, तो हमें वाई निकालना होगा, तो वाई कैसे निकालेंगे, तो फिर से सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या देख सकते हैं, अब देखते हैं एक और बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, ए ई आई, ट्रायंगल ए ई आई सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ आई, ये भी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, y बाई कितना लिखें, 2, y बाई कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टोटल ए ई 2 इक्वल टू 6 बाई 2, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, y इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारा क्या हो गया, अब d की वैल्यू निकालनी है, तो अब d देखते हैं d कैसे निकाला, तो d हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, d इक्वल टू y माइनस एक्स में 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मीटर। इतना डिस्टेंस में ही सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा, ठीक, क्योंकि वही हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, उतने के ही दूर में देख पाएगा, अदरवाइज नहीं दिख पाएगा। ठीक, तो ऐसे ही निकालना है। सपोज मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप खुद कैलकुलेट करना, उसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ठीक, आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना, मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, आंसर ये रहा मिरर, ठीक, मिरर कितने ऊपर रख दे रहा हूं, 2 मीटर डिस्टेंस पे, अब मिरर का हाइट दे रहा हूं 1 मीटर, या मिरर का लेंथ 1 मीटर। ठीक, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ, उसी पाथ पे जिस पे ऑब्जर्वर मूव करेगा, कितना डिस्टेंस है मिरर से, यहां से 3 मीटर डिस्टेंस पे मैं रख दे रहा हूं। ठीक, और ये पाथ है जिसपे ऑब्जर्वर मूव करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा, मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं से दिखाई देगा इमेज, तो वही डिस्टेंस आपको निकालना है, दैट मीन्स फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करके मेरे को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आए तब मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक, पहले आपको ट्राई करना है और इसका सोल्यूशन आंसर मेरे को बताना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज तो आपको पता है कि सेम डिस्टेंस पे बनेगा, इमेज फॉर्मेशन में हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। ठीक, तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं इमेज, लेकिन अब इसमें फील्ड ऑफ व्यू कैसे देखेंगे इसका। ठीक, तो यहां से बी पॉइंट से, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 रेज निकालेंगे जो इसके टॉप मिरर के टॉप से और मिरर के बॉटम से रिफ्लेक्ट करे, और इसके ए पॉइंट से भी 2 रेज निकालेंगे जो मिरर के टॉप से और मिरर के बॉटम से निकले रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं बना देता हूं पहले, उसके बाद देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू का रीजन क्या होगा। ओके, ये रे डायग्राम रहा। ठीक है,
अब रे डायग्राम में देखते हैं कैसे इसका फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं, इसका टॉप बी पॉइंट का टॉप मोस्ट पॉइंट से रिफ्लेक्शन और ए पॉइंट का बॉटम मोस्ट पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बीच में जितना डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इसी रीजन में हम लोग कंप्लीट इमेज देख सकते हैं। अगर इस रीजन में गए तो इसका अपर पोर्शन देख पाएंगे, लोअर पोर्शन कंप्लीट नहीं। ठीक, इसमें मैं इसके अपर पोर्शन कंप्लीट नहीं देख पाएंगे, सॉरी इसके इससे ऊपर जाएंगे तो अपर पोर्शन इसका बी पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो अपर पोर्शन नहीं दिखाई देगा, इससे लोअर दिखाई देगा। और इसमें ये ग्रीन वाली लाइन से नीचे जाएंगे तो सिर्फ इसका अपर पोर्शन दिखाई देगा, ए पॉइंट का बॉटम पोर्शन नहीं दिखाई देगा। तो यही एक रीजन है जिसमें कंप्लीट हमारा पोर्शन दिख सकता है। ठीक, तो इसी रीजन में अगर ऑब्जर्वर घूमता है तो क्या है, वो कंप्लीट इमेज देख पाएगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया कि इस लाइन जो है ऑरेंज लाइन के ऊपर जाएंगे और ग्रीन लाइन के बीच में रहेंगे, ठीक, तो इसका हेड तो नहीं दिखेगा, मीन्स बी पॉइंट नहीं दिखेगा, बी पॉइंट से नीचे का दिखेगा। ठीक है, अगर ग्रीन लाइन के ऊपर चले जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ग्रीन लाइन के और ऑरेंज के बीच में रहेंगे तो हेड नहीं दिखेगा, मीन्स बी पॉइंट नहीं दिखेगा, उसके नीचे का कुछ दिखेगा। ठीक है, इसमें ग्रीन लाइन के नीचे अगर चले गए, ठीक है, और ऑरेंज लाइन के ऊपर है तो हमें उसका क्या बॉटम नहीं दिखेगा, हेड दिखेगा। ठीक, लेकिन ऑरेंज के नीचे चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं दिखेगा, और इस रीजन में रहेंगे तो हमें पूरा सब कुछ दिखेगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम लेंथ के बारे में, जानते हैं कि मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, कितने ऊपर रखना चाहिए ताकि हमें कंप्लीट इमेज देख सकें। ओके, हम देखते हैं मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को फुल इमेज देखने के लिए ठीक अपना कितना हाइट पे मिरर रखना चाहिए और मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट अपना फुल इमेज देख सके। ठीक, तो वो कैसे देखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट रहा और ये हमारा इमेज रहा, इमेज तो बन गया है, इमेज तो आपको पता है कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इमेज के बारे में अब डिस्कस नहीं करते हैं, इमेज का तो फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे रे डायग्राम, अगर मान लेते हैं कि इसका आई लेवल मिस आइस इसका कहाँ पे है, यहीं पे है, टॉप पे है। ठीक है, टॉप पे है, तो अगर आई से इसे देखना है अपना फुल इमेज तो क्या होना चाहिए, एक रेज तो डायरेक्ट टकरा कर इसके आंख पे आना चाहिए, मीन्स उसको क्या दिखना चाहिए, हमारा हेड दिखना चाहिए, अपना हेड दिखना चाहिए उसे और उसका फुट दिखना चाहिए, मीन्स दो रेज अगर हम लोग ड्रॉ करें जिसमें एक रेज में डायरेक्ट उसका हेड दिख जाए और दूसरे रेज में फुट दिख जाए तो हमें लेंथ पता चल जाएगा मिरर का कि उतना ही लेंथ चाहिए। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक लेंथ में तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है ये देखते हैं कि ये सीधे गया, यहां से सीधे गया और टकरा कर वापस आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये तो हेड दिख गया। ठीक है, तो ये सीधे गया और टकरा कर वापस आ गया, मीन्स इसको अपना हेड दिख गया। ठीक है, दूसरा फुट दिखना है, तो फुट कैसे देखेंगे, अब फुट देखने के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो अब रे ड्रॉ करते हैं कैसे फुट देखेंगे। अब देखते हैं ये डायग्राम से, यहां से फुट से जो रे चली अगर आंख तक पहुंच जाए तो हमें क्या फुट भी दिखाई देगा, मीन्स फुट से जो रे चली आइज तक पहुंच जाए तो हमें फुट भी दिखाई देगा, मीन्स यहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट पहुंच रही है वो तो आंख तक पहुंच जा रही है, हर एक जगह से जाएगी, लेकिन यहां से एक रे जो है जो मिनिमम क्या है यहां से रिफ्लेक्ट करके जा रही है तो आंख तक पहुंच जा रही है, मीन्स इतना इमेज का अगर हाइट हो, अगर इतना इमेज का हाइट पता चल जाए तो यही तो हाइट है मिरर का, सॉरी मिरर का हाइट अगर पता चल जाए तो यही तो हाइट ऑफ मिरर है जिससे हमें कंप्लीट इमेज देख सकते हैं इतने हाइट में, तो ये कैसे पता चलेगा, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, जितना पे इंसिडेंट करेगा लाइट उतने से ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो अगर ये थीटा पे इंसिडेंट कर रहा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये अगर टोटल हाइट क्या है h है तो ये हाइट कितना होना चाहिए h/2, तो ये हाइट कितना होना चाहिए कैपिटल h/2, मीन्स ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा अगर मिरर है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट अपना कंप्लीट इमेज देख पाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है क्या चीज, ऑब्जेक्ट का आधा अगर मिरर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपना कंप्लीट इमेज देख पाएगा। ठीक है, अब कितना ऊपर रखा जाए, तो h/2 हमारा क्या हो गया, h/2 तो मिरर का हाइट हो गया कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए, कितना ऊपर रखा जाए,
ये हाइट कितना है h by 2, तो h by 2 ऊपर रखा जाए और h by 2 लेंथ का मिरर रखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फुल इमेज देख पाएगा, ठीक है, अगर वो टॉप लेवल से देख रहा है तो। ठीक, तो इसमें क्या क्या करने लिख सकते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज इक्वल टू कितना होना चाहिए, h by 2। ठीक, अगर उसे कितना ऊपर रखना होगा, कीप द मिरर h by 2 अबव द सरफेस h by 2 ऊपर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कंप्लीट इमेज देखने को मिल जाएगा। और क्या ये d पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे आप कितना भी छोटा या कहीं से भी आप रख लो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमारा h पे डिपेंड कर रहा है, कितना हाइट रखा गया और कहां पे रखा गया है, कितना लेंथ का मिरर रखा गया है। ठीक, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, कैसे कैसे निकालना होता है। ठीक, ये समझ में आ गया, ये चीज हमेशा याद रखना है कि h by 2 का हमें मिरर चाहिए हमें कंप्लीट इमेज देखने के लिए। ठीक, अब देखते हैं इस पे प्रॉब्लम बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सपोज ऐसे दिया रहा है, यहां पे देखते हैं, ये रहा मिरर, ओ दिस, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आइज ये 2 मीटर का है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का आइज है हेड से कितना नीचे है, 20 सेंटीमीटर नीचे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिरर की हाइट क्या होगी। ओके, इसमें देखते हैं, तो जहां पे आइज होगा वही देखेगा फुट और इसका। ठीक है, तो इस केस में कैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि यहां पे हमें दिखना है आइज पे ही, तो आई से हमें हेड का देखना है, तो पहले तो हेड का लाइट आना चाहिए सिर का, तो ऐसे आएगा। ओके, तो हमारा एक एंगल ये बनाया, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हाइट, ये टोटल हमारा क्या है, यहां से यहां 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया, मीन्स 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब फुट भी दिखना चाहिए इसे आई को, तो आई के फुट देखने के लिए ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मीन्स फुट से रे जानी चाहिए उसके आईज तक, तो ये फुट देखने के लिए ये हाइट कितना है, आईज से फुट के डिस्टेंस कितना है, 1.8 मीटर, मीन्स टोटल 2 मीटर है, उसमें 20 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट कर देना, तो 1.8, मीन्स ये हाफ कितना हो गया, 0.9, मीन्स 90 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। मीन्स मिरर की हाइट कहाँ पे होनी चाहिए, मिरर कितने ऊपर होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर, और मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहां से ये हमारा क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर और प्लस 10, मीन्स मिरर की लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, मिरर लेंथ 100 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर, एंड हाइट पोजीशन जो बोलते हैं, या पोजीशन लिखेंगे कितना, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना है आपका हाइट, तो मिरर लेंथ तो हमेशा उसका हाफ ही होगा, चाहे कहीं पे भी आई हो, चाहे मैं टॉप मोस्ट मान लूं कि टॉप मोस्ट पे ही आई एज्यूम कर लूं, चाहे आई कहीं भी मानूं, उसका हाइट क्या होगा, मिरर लेंथ, वो उसका हाफ ही होगा, ऑब्जेक्ट के लेंथ का हाफ होगा, लेकिन पोजिशन आपका चेंज हो जाएगा कि आईज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आईज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आपको पोजिशन कैसे निकालना है, तो पोजिशन निकालने का बेस्ट वे, पहले कहाँ पे आईज है उसका हाफ डिस्टेंस, आईज कहां पे है उसका हाफ डिस्टेंस ही आपका पोजीशन डिफाइन करेगा। ठीक, आई जहां पे रहेगा उसका हाफ डिस्टेंस क्या बताएगा, पोजीशन डिफाइन करेगा। ठीक, और आई कहां पे है उसका हाफ डिस्टेंस प्लस आई का हाफ डिस्टेंस, आई से हेड का हाफ डिस्टेंस आपका मिरर लेंथ डिफाइन करेगा। ठीक, जैसे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज मैं दे दूं कि ऐसे रहा, आप खुद कर लोगे, यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट को मैं दे देता हूं 1.2 मीटर का। ठीक, यहां पे आई मान लेता हूं जो कितना है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर नीचे है, तो आपको ये बता सकते हैं कि कितना होगा, आपको बोल देंगे कि यहां पे 1 मीटर हाइट पे है क्या आई,
अगर आई 1 मीटर हाइट पे है तो पोजीशन क्या होगा, तुरंत आप बोल सकते हैं पोजीशन हमारा आई का 50%, मतलब 50 सेंटीमीटर, ये तो तुरंत देख कर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 1 मीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर है तो मिरर हाइट, मिरर लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिरर लेंथ उसका हाफ मिस 0.6, मिस 60 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट देखकर कुछ भी बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया तो, ठीक। और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या क्या होता है, उसे देखते हैं। इतना आपने नोट कर लिया, ये समझ में आ गया, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप का। सपोज ये एक मिरर है, ठीक, एक मिरर मान लिया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है या मैन है, मैन वन मान लेते हैं, ठीक, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है। एक और आदमी यहां पे खड़ा हुआ है, ओके, एक दूसरा आदमी खड़ा है, दूसरा मैन है, ठीक, एम टू, जिसका आई टॉप लेवल पे ही है, ठीक है, ये भी इससे डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर मान लेते हैं कि 1 मीटर है, ठीक, इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका लेंथ 1 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि आप ये बताओ कि कितना मिरर का साइज होना चाहिए कि इसमें M2 M1 को कंप्लीट देख सके, ठीक है, M1 को कंप्लीट देख सके, तो मिरर का लेंथ आपको बताना है कि कितने मिरर का लेंथ होना चाहिए कि M2 हमें क्या करे, M1 का फुल इमेज देख सके, ठीक। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, तो वही पुराना तरीका, जैसे सिमिलर ट्रायंगल ज्योमेट्री का अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं, आपको सिंपल वे में बताता हूं कि अगर ये है M1, ठीक है, अगर ये है M1, तो M1 के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसके आईज पे ही सारे के सारे लाइट जाना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट से जो लाइट होगा वो भी रिफ्लेक्ट करके कहां जाना चाहिए, इसके आईज पे, ठीक है, और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ठीक, वो भी रिफ्लेक्ट करके कहां पे जाना चाहिए, उसके आई पे जाना चाहिए, मीन्स ये भी रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों रिफ्लेक्ट करके कहां पे जाना चाहिए, M2 के आई पे। अगर M2 के आई पे गया तो ये क्या देखेगा, कंप्लीट इमेज देख पाएगा, दैट मीन्स ये हाइट अगर पता चले तब हम लोग बता सकते हैं कि यही हाइट हमारा क्या है, मिरर की हाइट होगी। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे, आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहां पे, यहां पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके अब फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लोग इसको मेरे को फाइंड आउट करके आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग खुद बताओगे मेरे को कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक, अगर नहीं आएगा तब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। सिमिलर ट्रायंगल आपको अप्लाई करना है इसमें और सॉल्व करना है कि कितना हाइट होना चाहिए मिरर का, मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक, ताकि वो M2 का देख सके, M1 का फुल इमेज, ओके। और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। सपोज आपसे पूछा जाए ऐसे कि एक आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है, एक यहां पे आदमी खड़ा है, ये ठीक, एक क्वेश्चन है, ऐसे एक आदमी यहां पे खड़ा है जो 2 मीटर का है, ठीक, उसके सामने 0.4 मीटर का लेंथ का एक मिरर रख दिया गया जो 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड, सरफेस से 1.2 मीटर ऊपर रखा गया है, ठीक, तो उसे कितना पार्ट ऑफ लेंथ दिखाई देगा उसके शरीर का, ये देखना है आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच लेंथ ऑफ द बॉडी कैन सी बाय द ऑब्जर्वर, मतलब ये कितना पार्ट ऑफ द लेंथ देख पाएगा, इसका आईज यहीं पे है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले निकालने का तो सिंपल वे है यही, आप ज्योमेट्री करो, एक यहां से ये ले जाओ, रेड ड्रॉ करो इसके इस एंड पे कि कहां पे दिखाई दे रहा है, एक इस एंड पे ड्रॉ करो तो आपको दिखाई दे देगा कि कितना, ठीक, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्री से, सिमिलर ट्रायंगल से, लेकिन मैं लॉजिकल बता रहा हूं कैसे निकाल सकते हैं लॉजिक में, ठीक। तो आपको मैं बताया कि आपका क्या होना चाहिए, कितना हाइट का मिरर होना चाहिए कंप्लीट इमेज देखने के लिए, एच बाई टू, मीन्स मैन के हाइट का आधा, ठीक, तो मैन के हाइट का आधा होना चाहिए, ठीक। ये देखते हैं एच बाई टू, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं अगर टॉप मोस्ट पे है तो, ठीक है, एच बाई टू पे, एच बाई टू मीन्स हमारा कितना होना चाहिए, 1 मीटर का हमें
लेंथ चाहिए मिरर का तो कंप्लीट इमेज देख पाएगा, तो आपको 0.4 है तो कंप्लीट इमेज नहीं देख पाएगा। ठीक, उसका पोजीशन कहां पे होना चाहिए, मींस पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, 1 मीटर अबव, 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए, मतलब एच बाई टू पे होनी चाहिए। मिरर के भी कितने ऊपर होनी चाहिए, 1 H/2 अबव होनी चाहिए। ठीक, तो एच बाई टू ऊपर होनी चाहिए, तो आपको ये कितना ऊपर है, 1.2 से ऊपर है, मीन्स 1 मीटर से ज्यादा ऊपर है। आपको इससे नीचे है, किससे, इसके टॉप मोस्ट पार्ट से नीचे है, मीन्स हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक, ये ऊपर वाले 1 मीटर के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा कितना हाइट है मिरर का, 0.4। तो जैसे h बाई टू अगर मिरर होता तो हमारा कितना लेंथ कंप्लीट देख पाता, h, मतलब अगर 4 मीटर का लेंथ होता तो कितने मीटर हाइट का देख पाता, 8 मीटर का। तो यहां कितना दिया हुआ, 0.4 मीटर का है, तो कितने मीटर को देख पाएगा, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो h बाई टू के बीच में लाई कर रहा है तो 0.4 मीटर का है, तो कितने मीटर देख पाएगा ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं हाइट कितना देख पाएगा, 0.8 मीटर। ठीक, और सपोज और भी देखते हैं, समझ में क्लियर आएगा। मान लेते हैं यहां पे, ऐसे मानते हैं, ये देखते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट ये, ठीक है, एक मिरर यहां पे लगा दिया गया ऐसे, ठीक, जिसका हाइट क्या है, 1 मीटर, मिरर का हाइट 1 मीटर है। ठीक, इसको प्लेस कर दिया जा रहा है 1.6 मीटर अबव, कहां पे, 1.6 मीटर अबव प्लेस कर दिया जा रहा है, मींस यहां से इसका प्लेसमेंट कहां पे है, 1.6 मीटर अबव, और ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मीटर। तो आप कितना कितना देख पाएगा ये ऑब्जेक्ट, अपने बॉडी का कितना पार्ट देख पाएगा, मींस कितना लेंथ का पार्ट देख पाएगा, ये देखना है। तो आपको इसको क्या होना चाहिए, पहले रेंज ड्रॉ करना होगा, किसके किसके बीच में होगा तो खुद देख पाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इसके और h बाई टू, मिस h बाई टू इसके बीच में होना चाहिए तो देख पाएगा। ठीक, तो इसके बीच में कितना लाई कर रहा है हमारा मिरर, ये देखना है कितना लाई कर रहा है, 1.6, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.4 अगर है तो हमारा अफकोर्स कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इस केस में भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर, देख 0.8 मीटर सॉरी, क्योंकि 0.4 मीटर हमारा लाई कर रहा है अगर, तो हमारा कितना देख पाएगा, इसका डबल डबल हाइट का देख पाएगा, मीन्स 0.8 मीटर। ठीक, ऐसे ही सपोज ये रहता, मान लेते हैं 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक, नीचे नहीं, 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, इसके यहां से इधर नीचे रखा गया है कोई मिरर, ठीक है, जो ग्राउंड से 0.8 मीटर ऊपर रखा गया है। ठीक, हमारा कहां पे पोजीशन होना चाहिए कंप्लीट दिखने के लिए, h बाई टू, मीन्स h बाई टू, तो h बाई टू मतलब 1 मीटर अबव होना चाहिए, तो ये तो 1 मीटर से नीचे है, तो आपको ये आईज अपना इमेज नहीं देख पाएगा। ठीक, मीन्स अपना इमेज नहीं देख पाएगा, कितने पार्ट, कितना मिरर यूजलेस हो गया, मिस 1 मीटर अबव होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, 1 मीटर, मिस h बाई टू, इसके हाइट का h बाई टू, अगर आई कहाँ पे है, टॉप मोस्ट लेवल पे है, तो 1/2 सॉरी h बाई टू मिस 1 मीटर, 1 मीटर, ये कितना ऊपर है, 0.8 मीटर ही है, तो कितना और इसमें का मिरर यूजलेस हो गया, 0.2 मीटर यूजलेस हो गया मिरर। अब मिरर का लेंथ कितना है, मान लेते हैं 0.5 मीटर है मिरर का लेंथ, तो 0.2 मीटर तो यूजलेस हो गया, तो कितना बचा हमारा लेंथ यूजफुल मिरर लेंथ, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर अगर बच गया तो उसका डबल कर देंगे, उतना ही इमेज देख पाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज देख पाएगा। ठीक, 0.6 मीटर ऑब्जेक्ट का साइज देख पाएगा। ठीक, तो ऐसे आप लॉजिकली निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया हो कि कितना देख पाएगा, कैसे देख पाएगा, तो आप पहले रेंज ड्रॉ करो किसका, कि किसके उसके बीच में आ रहा है कि नहीं। आई अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो आप रेंज ड्रॉ करो कि h बाई टू अबव होना चाहिए और h बाई टू का मिरर होना चाहिए, तो कंप्लीट इमेज दिखेगा। अगर h बाई टू का मिरर नहीं है तो कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा। ठीक, पहला चीज, अगर h बाई टू से ऊपर नहीं है, अगर h बाई टू के प्लेस से ऊपर नहीं है तो हमारा कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा। ठीक, तो h बाई टू से h तक अगर मिरर है, ठीक, तो हमें कंप्लीट इमेज दिखेगा। तो h बाई टू से ऊपर है, अब कितने हाइट का मिरर है,
अगर मान लेते हैं कि h बाई फोर हाइट का है तो उसका डबल इमेज दिख पाएगा, मतलब डबल लेंथ देख पाएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट अगर उसके बीच में लाइक कर रहा है तो h बाई टू से h के बीच में लाइक कर रहा है वो मिरर तब, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जरूर आप लोग मेरे को मैसेज आप कर सकते हो, उसमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आओ तो कमेंट करो, फिर से मैं उसे समझाऊंगा, और जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। अगर सही है तो गुड, नहीं हुआ तो मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।